बॉलीवुड के खूंखार विलन से एक रंजीत अब कम ही फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें हर फिल्म में देखा जाता था। स्क्रीन पर रंजीत चाहे कितने ही बुरे काम करते नजर आए, लेकिन रियल लाइफ में वे काफी शर्मीले हैं। उनका जन्म 1946 में अमृतसर के एक गांव जंडियाल गुरु में हुआ था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात बताई थी, वह भले ही फिल्मों में कम एक विलन का रोल प्ले करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल इसके विपरीत है। कम ही लोग जानते हैं कि रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी है। रंजीत नाम उन्हें उनके खास दोस्त सुनील दत्त ने दिया था। क्या आप जानते हैं कि रंजीत एक एक्टर नहीं बल्कि एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नेशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग लेने के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई कि उन्हें अकादमी से निकाल दिया गया था, क्योंकि एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया था। यह बात ट्रेनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। फिर एक दोस्त के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में आए। काफी मेहनत के बाद उन्हें फिल्म शर्मिली में काम मिला और इसी का एक सीन काफी चर्चा में रहा था। एकेडमी से निकल जाने के बाद वो हीरो बनने मुंबई आ गए। उन्हें फिल्म जिंदगी की राह में रील रोल भी मिला, लेकिन यह फिल्म कभी नहीं बनी। उन्होंने 1970 में आई फिल्म सावन भादो से करियर की शुरुआत की। उन्होंने फिल्मों में शुरुआत से विलन का ही रोल ऑफर हुआ, हालांकि उन्हें पहचान 1971 में आई फिल्म शर्मिली से मिली। एक इंटरव्यू में रंजीत ने बताया था, मैं एक बार खुश होकर अपने परिवार को अपनी फिल्म दिखाने को ले गया। जब लौट कर घर आए तो मैंने देखा कि घर में रोना धोना मच गया है। फिल्म में मेरा रोल देखकर माँ काफी नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा था कि यही तुम्हारा काम है, लड़कियों के साथ गलत करते हो, निकल जाओ घर से। मैं माँ की बात सुनकर शॉक्ड रह गया था। मैंने माँ को खूब मनाने की कोशिश की और उन्होंने समझाया कि सब फिल्मों में नकली होता है। रंजीत ने अपने करियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 10 फिल्में ही देखी है। उन्होंने जो फिल्म पहली देखी थी वो थी देवानंद की गाइड। एक इंटरव्यू में उन्होंने सबसे टफ सीन के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने बताया था, अभी तक का मेरा सबसे टफ सीन था रीना रॉय के साथ, जो कि फिल्म डाकू और जवान में था। इस शॉट को मंदिर में फिल्माया गया था जिसमें चारों तरफ दिए जल रहे थे। मैं और रीना की बॉडी पर मिट्टी का तेल डाला गया था। हम दोनों इस शॉट को लेकर बहुत डरे हुए थे। तो क्या आप जानते हैं कि रंजीत का अफेयर राजेश खन्ना की साली सिंपल कपाड़िया के साथ भी रहा। रिपोर्ट्स की माने तो जीजा राजेश खन्ना इस अफेयर से खुश नहीं थे। फिल्म छैला बाबू, जो कि 1977 की शूटिंग के दौरान सिंपल की वजह से राजेश और रंजीत के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ था। इस झगड़े के बाद सिंपल और रंजीत अलग हो गए। रंजीत अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते आए हैं। उनका कोई गॉडफादर नहीं था। इस बुरे व्यक्ति की इमेज के बावजूद भी वे कभी किसी विवाद में नहीं घिरे। 78 साल के रंजीत इस उम्र में भी बेहद फिट है। उन्होंने अपनी फिटनेस का राज खोलते हुए कपिल शर्मा के शो में बताया था, मैं कभी जिम नहीं गया, मेरे जमाने में आज जैसा जिम का क्रेज नहीं था। लाइफ में न कभी नॉनवेज खाया और न कभी शराब पी। तो वही रंजीत की पत्नी का नाम अलोका बेदी है, जो हाउसवाइफ है और लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती है। 1986 में अलोका से शादी की थी। अलोका से उनकी पहचान चंकी पांडे की माँ स्नेहलता जी के जरिए हुई थी। उनकी बेटी दिव्यांका बेदी एक फैशन डिजाइनर है और उनके बेटे का नाम चिरंजीव बेदी है, जो एक रेसर है। रंजीत ने आज तक रेशमा और शेरा, खोटे सिक्के, आपकी कसम, हाथ की सफाई, धर्मात्मा, नागिन, धर्मवीर, छैला बाबू जैसी बहुत सारे फिल्मों में काम किया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।